खबर है जनपद सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर डबल मर्डर केस में परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। लाश रखकर धरने पर बैठे परिजन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से घर पर आने की अपील। 1 करोड़ रुपए, लाइसेंसी स्टाइल आजीवन पुलिस सुरक्षा तथा अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो ही पुलिस अधिकारियों के साथ पूर्व विधायक देवमणि त्रिवेदी, भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर केपी सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट, रविशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मंजू मौर्य, मेरे घर में 4 बजे कल दुर्घटना हुई। माँ बेटी को दोनों को दिन में काट के फेंक दिए। इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग का, वो अपराधी जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसलिए दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है, दूसरी मांग है, हमको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमेशा, सब दिन के लिए, मतलब हमेशा के लिए। और उसके बाद जो है हमको एक वो लाइसेंसी चाहिए, और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 50 लाख रुपये, मतलब एक 50 लाख रुपये हमको चाहिए, अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी सीएम से हमको, हम लोग बात करना चाहते हैं, मेरे यहाँ आए। और कोई मांग है आपकी? आपकी नहीं, मेरा यही अपील है, डिप्टी सीएम यहाँ आए, दाह संस्कार के साथ आए, वो जो है यहाँ देखें। इतने तगड़ा घटना हुई है, वो दिन में हुआ है। अभी तो सोमे वो आए थे, क्या नाम है, सीताराम विधायक जी आए थे, सीताराम नहीं थे, सीताराम वर्मा नहीं, देवमणि दुबे थी, देवमणि दुबे आए थे बस।